सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल आस्क अभिजीत को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिजीत और मैं आज आपके लिए लाया हूँ व्हाट्सएप के कुछ खास ट्रिक्स जो आपका व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को बनाएगा और भी खास। तो बिना कोई समय गवाए लेट्स गो फॉर इट। तो पहला जो ट्रिक है वो आप कोई भी वॉइस मैसेज को बिना किसी को सुनाए आप कैसे रीड कर सकते हो। सपोज आपके दोस्तों ने कोई आपको वॉइस मैसेज भेजा है जो कि पर्सनल है और आपके पास हेडफोन नहीं है, तो आप तुरंत उसको कैसे सुन सकते हो? आप क्या करिए, वो वॉइस मैसेज को ऑन करिए और वो आपका फ़ोन जो है आपके अपने कान पे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जरिए वो लाउड स्पीकर में नहीं बजेगा, वो सीधा आपके जो ईयर पीस है उसमें बजेगा। तो ये बहुत लोग नहीं जानते, तो ये एक तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को जो है आप कोई चुने हुए फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में चले जाइए, प्राइवेसी में चले जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस, स्टेटस में क्लिक करिए और स्टेटस में क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ओनली शेयर विथ। तो ओनली शेयर विथ में जाने के बाद अपने मनपसंद जो भी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, अब वही फ्रेंड्स आपको आपका स्टेटस जो है वो पढ़ पाएगा। तो एक ये था एक व्हाट्सएप ट्रिक। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आप अपने एक ही फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप अकाउंट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज आपके पास अगर शॉमी का डिवाइस है तो शॉमी के डिवाइस में ये पहले से इनबिल्ट रहता है। तो शॉमी के डिवाइस में आप सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुअल एप्स। तो डुअल एप्स ऑप्शन में चले जाओ और वहाँ से आप व्हाट्सएप के एक डुअल एप क्रिएट कर लीजिए। तो डुअल एप जब क्रिएट कर लोगे तो व्हाट्सएप का ऐसा कुछ अकाउंट आएगा डुअल एप का, तो वो ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको एक फ्रेश व्हाट्सएप का एक स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप नॉर्मल प्रोसीजर में व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ऐसे आप दो दो अकाउंट सेम डिवाइस में जो है आप चला सकते हो। तो अगर सपोज आपके पास शाओमी का डिवाइस नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसका नाम है पैरेलल स्पेस, एक ऐप होता है, वो इंस्टॉल कर लीजिए जिसके थ्रू आप डुअल ऐप को जो है वो काम पे ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आप अपने व्हाट्सएप में से आप एक GIF कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसको आप कैसे सेंड कर सकते हो। तो GIF क्रिएट करने के लिए आप कोई भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए जो कि 6 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो वीडियो आपने कोई भी फ्रेंड को सेंड करने के लिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, GIF या फिर वीडियो। तो आप GIF सिलेक्ट कर लीजिए और उसको आप फ्रेम कर सकते हैं अपने मनपसंद जहाँ तक भी चाहिए आपको, और ट्रिम करके वो सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आप देख रहे हो ये GIF क्रिएट कर देगा और आपके फ्रेंड को जो है वो सेंड कर देगा। तो ऐसे आसानी से आप GIF इमेज को है इमेज को जो है क्रिएट एंड सेंड कर सकते हो अपने कोई भी फ्रेंड्स को। और तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कोई भी आप अपने फोटो को कोई भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से पहले एडिट कैसे कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप का इनबिल्ट एक फीचर है जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी फोटो सिलेक्ट करने के बाद उसको उसमें ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर करने का, तो इसमें आप फिल्टर कर सकते हो, डिफरेंट फिल्टर्स इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई भी कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो इसमें, या फिर कोई भी इमोजीज आप ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ उसको आप कोई भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो बहुत काम का चीज़ है और बहुत आसानी से आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है, आप कोई भी आपके अपने ग्रुप में भेजा हुआ मैसेज में से आप देख सकते हो अपना मैसेज जो है कौन कौन पढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी ग्रुप में चले जाओ और अपना कोई भी मैसेज सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक आई बटन दिखेगा, तो आई बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। आई बटन के क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि ये आपका मैसेज जो है कौन कौन इसको पढ़ा है या फिर कौन कौन रीड किया है। तो ये बहुत लोग नहीं जानते इस ट्रिक को। तो नेक्स्ट जो टिप है वो है आप अपने कोई भी चैट को जो है पिन या फिर वो चैट को आप टॉप मोस्ट में कैसे ला सकते हो। तो उसके लिए कोई भी चैट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर जो पिन बटन दिख रहा है उसमें आप क्लिक कर लीजिए। तो उसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर पिन हो गया, तो ये सबसे पहले आपको दिखेगा। कोई भी मैसेज आ जाए आपको पहले यही दिखेगा।
तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन व्हाट्सएप का एक सिक्योरिटी फीचर है जो नए जो भी अपडेट्स है उसमें आने लगे। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है और भी सिक्योर हो जाता है, कोई भी इसको दूसरे डिवाइस में जो आपका नंबर यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको वो टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद आपको एक कोई भी एक सिक्स डिजिट का एक पिन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको कंफर्म कर दीजिए एंड आप कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिए आपको इस पिन अगर आप भूल जाओ तो उसको रिकवर करने के लिए। तो ईमेल आईडी डालने के बाद उसी ईमेल आईडी को आपको जो है कंफर्म करना है। तो उसको कंफर्म करने के बाद आप जब फाइनल स्टेप में जाओगे तो इसमें सेव ऑप्शन आएगा, तो आप सेव कर लीजिए। तो इसमें जो है आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन जो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका अकाउंट जो है और भी सिक्योर हो जाएगा कोई भी हैकर से। नेक्स्ट जो टिप है वो कोई भी आपका एक्सीडेंटली आप कोई भी अगर मैसेज भेजते हो किसी को, उसको डिलीट कैसे करना है दूसरे के डिवाइस में। तो जो विद इन 7 मिनट्स अगर आप डिलीट बटन प्रेस करो तो आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा, डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन एंड कैंसिल। तो डिलीट फॉर एवरीवन पे जो है वो क्लिक कर दीजिए तो आप ये जो मैसेज है ये सबके डिवाइस में से जो डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो नेक्स्ट जो टिप है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर के बिना आप अपने मोबाइल में अपने डेस्कटॉप पीसी में जो है आप अपने व्हाट्सएप को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसमें नीचे एक लिंक दिया है व्हाट्सएप वेब का, तो उस वेबसाइट में जाना है तो ऐसा कुछ कोड मिलेगा आपको, बार कोड, जिसको आप अपने मोबाइल में स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के जो है व्हाट्सएप वेब ऑप्शन में चले जाइए और इस कोड को जो है वो स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आप देख सकते हो आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप है वो एज इट इज़ रेप्लिकेट हो जाएगा अपने डेस्कटॉप पीसी में। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो एज इट इज़ रेप्लिकेट होने के बाद आप देख सकते हो रेप्लिकेट हो चुका है और कोई भी आप मैसेज जो है पढ़ सकते हो, कोई भी मीडिया जो है आप पीसी में से वो सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये व्हाट्सएप ट्रिक्स वाला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे एक लाइक देना मत भूलिए और इससे भी ज़्यादा पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके ज़रूर से जो है हेल्प करना। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो नीचे जो है लाल बटन है वो प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हो तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।